वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज ऑन इंटरनेशनल लेवल, ये हम यहाँ पर इसके संबंध में कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग और डेफिनेशंस के अंतर्गत हम ये देखते हैं, सबसे पहले प्रोफेसर एल्सवर्थ ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बड़े सरल ढंग से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। उन्होंने यह बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र वह है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से संबंधित विभिन्न संबंधों और उन संबंधों से स्थापित होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कराता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संबंधों, किस कैसे संबंध, व्यापार से संबंधित संबंधों और उन संबंधों से स्थापित होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन कराता है। यहाँ हम इन्हीं समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन आंतरिक भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, और जहाँ एक से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो निश्चित बात है कि वहां तो समस्याएं होंगी ही, समस्याएं वहां पर दिखाई ही देंगी। तो इन सभी समस्याओं, इन सभी संबंधों का अध्ययन हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसके पहले भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी थी जब हम एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहते थे, यानी हम क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत रहते थे। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर व्यापार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम एक खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं और खुली अर्थव्यवस्था में हम वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार विदेश तक भी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी हम पहुंच चुके हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या था, क्या क्लोज्ड इकोनॉमी व्यापार नहीं था, था। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत भी हम वस्तु विनिमय पद्धति का इस्तेमाल करते थे, हम बार्टर टेक्निक की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते थे। क्यों, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और भले ही हम एक वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं परंतु हम अपने आवश्यक वस्तुओं की, समस्त आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण पूर्ति अकेले नहीं कर सकते, और इसी पूर्ति करने के लिए हमें दूसरे समाज के व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसी निर्भरता के तहत हम क्या करते थे, जो भी एक्सेस हमारे यहाँ पैदा होता था हम उस एक्सेस को बेच देते थे, बेचते नहीं थे, यानी ये क्या आप कह सकते हो कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वहां पर होता था, क्यों, क्योंकि मुद्रा उस समय अस्तित्व में नहीं आई हुई थी, और मुद्रा के अस्तित्व के अभाव के कारण वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। तो वस्तुओं के लेन देन की सहायता से हर वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था जो उसकी आवश्यकता होती थी। अकेले तो करना यह पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक दूसरे से लेन देन की सहायता से हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, हम संपूर्ण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक क्लोज इकोनॉमी की, तो यही बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम ये माने तो बात ये होती है, जब हम देश की सीमाओं से दूर चले जाते हैं, जब हम देश की सीमाओं के बाहर व्यापार करते हैं, इस तरह का व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो यहाँ भी यही चीज है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी जिस देश में जिस वस्तु की कमी होती है वह देश क्या करता है, वह देश किसी दूसरे देश से उस वस्तु को मंगा लेता है, और उसके देश में जो एक्सेस होता है उस वस्तु को क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसी तरह दोनों देश को अपनी अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है, जो भी वो चाहते हैं वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सहायता से उन वस्तुओं की पूर्ति कर लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे हैरेट। हैरेट के अनुसार हैरेट ने बताया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संबंध उन समस्त
आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। यहाँ पर देश की सीमा के अंदर की बात नहीं है, ये क्या है, ये वो समस्त आर्थिक सौदे हैं जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। इसी क्रम में हम वॉसरमैन और हटमैन की दी हुई परिभाषा को देखते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने यह बताया है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं, सेवाओं, उपहारों, पूंजी और बहुमूल्य धातुओं के विनिमय से है, जिसमें सौदों का स्वामित्व एक देश के नागरिकों से दूसरे देश के नागरिकों को हस्तांतरित हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन कानूनों, संबंधों एवं व्यवहारों का वर्णन एवं विश्लेषण करते हैं जिसके अंतर्गत व्यापार किया जाता है। तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर यहाँ हम यह कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापार से संबंधित नियमों, कानूनों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन कानूनों के बारे में बताया जाता है। यहाँ यह बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से संबंधित आर्थिक संबंधों के बारे में बताया जाता है और इन आर्थिक संबंधों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। आंतरिक व्यापार ऐसा व्यापार है जो देश की सीमा के भीतर होता है, जो देश की सीमा के भीतर होता है। मैंने आपको बताया कि व्यापार का अस्तित्व आज से नहीं है, व्यापार का अस्तित्व बहुत पहले से ही है। भले ही पहले वह व्यापार एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत होता था, भले ही व्यापार का स्तर छोटा था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार का रूप वहां पर भी दिखाई देता था। तो आप आंतरिक व्यापार के बारे में ये कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार क्या है। आंतरिक व्यापार देश की सीमा के भीतर होने वाला व्यापार है। यह व्यापार कैसा होता है? यह व्यापार एक देश के नागरिकों द्वारा अपने ही देश के नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच होने वाला व्यापार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच होने वाला व्यापार। तो आंतरिक व्यापार में क्या होता है? आंतरिक व्यापार के अंतर्गत जो भी व्यापार का स्वामित्व हमारा कौन होता है? हमारी केंद्र सरकार होती है और केंद्र सरकार की देखरेख के अंतर्गत ही व्यापार होता है। तो सीमा क्या है? सीमा सिर्फ हमारे देश के अंदर है, हम बाहर की बात नहीं करते। तो आंतरिक व्यापार क्या है? देश की सीमा के भीतर होने वाला व्यापार। सेम ऐसे ही हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जब देश की सीमा के बाहर व्यापार किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं व्यापार जब भारत और इंग्लैंड के बीच हो, व्यापार जब भारत और अमेरिका के बीच हो, व्यापार जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो, व्यापार जब इंग्लैंड और कनाडा के बीच में हो, तो यहाँ जो भी व्यापार है ये समस्त देश जो है व्यापार कैसे कर रही है? समस्त देश अपने देश की सीमा से बाहर व्यापार कर रहे हैं। अपने देश की सीमा से बाहर के देशों के साथ ये देश आपस में व्यापार कर रहे हैं। तो ये कैसा व्यापार है? ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। तो आंतरिक व्यापार देश की सीमा के भीतर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार देश की सीमा के बाहर। आगे हम देखते हैं नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है? हमें व्यापार करने की क्या जरूरत है? हम ना व्यापार करें तो जैसे मैंने पहले भी ये बताया कि व्यापार अस्तित्व में आया मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन उसी वस्तु का उत्पादन दूसरा व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उस वस्तु के उत्पादन को कुशलता से करता है। तो अगर मैं नहीं कर सकता, अगर वो कर रहा है और वो हमें अपनी वस्तुएं दे दे, हम अपनी वस्तुएं उसको दे दे, तो हम दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो हमें व्यापार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो छोटे स्तर का व्यापार है, लेकिन अगर हम पूरे संपूर्ण विश्व की बात करें तो हमारा विश्व क्या है? हमारा विश्व अलग अलग भौगोलिक संरचना के अंतर्गत बटा हुआ है। किसी देश की भौगोलिक संरचना किसी
किसी वस्तु के उत्पादन में ज्यादा सुटेबल है, लेकिन किसी देश की भौगोलिक संरचना उसी वस्तु के उत्पादन में सुटेबल नहीं है, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक रूप से दी हुई चीज है। ये भूगोल के अंतर्गत देखा जाता है कि किसी देश की भौगोलिक संरचना किसी वस्तु के उत्पादन को बहुत सस्ते में कर देती है, लेकिन उसी वस्तु का उत्पादन किसी दूसरे देश में बहुत अधिक खर्च करने के बाद ही हो पाता है। तो ये समस्या प्रत्येक देश के व्यक्तियों द्वारा देखी गई और हर व्यक्ति चाहता था और हर देश ये चाहता था कि उन्हें समस्त वस्तुओं की पूर्ति हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही एक ऐसा जरिया है जिसकी सहायता से हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेज सकते हैं और जिस वस्तु की कमी हमारे यहाँ है उस वस्तु को हम दूसरे देश से मंगा सकते हैं। तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से ही कर सकते हैं। और जब हम अपने देश की सीमा से बाहर निकलेंगे तभी हम दूसरे देश के बारे में जानेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, वहाँ किस चीज का अभाव है, ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ है उनके यहाँ नहीं है, क्या है जो उनके यहाँ है हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और दूसरे देश के लोगों के लिए भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहला है लेबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी श्रम विभाजन। तो चलिए, व्यापार में सबसे पहले ये देखा गया लेबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशलाइजेशन ये क्या है, यानी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। तो अब ये मान लीजिए कि ये जो व्यापार आया हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र आया हुआ है, उस समय लेबर ये ही एक ऐसा जरिया था प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि उस समय मशीनों का पूरी तरह से अभाव था। अगर थे भी तो बहुत, मान सकते हैं हम कि डेवलप्ड कंट्री के पास भले हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के पास पूरी तरह से मशीनों का अभाव था। तो लेबर ही एक ऐसा जरिया था जिसकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन होता था। तो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लेबर डिस्ट्रीब्यूशन है एक कार्य को वही व्यक्ति करे, वही व्यक्ति उस कार्य को करे, कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कार्य को करे, ये हम कह सकते हैं लेबर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। जैसे अब क्या है, अब तो मशीनों का की सहायता से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो अगर जैसे कोई कार्य करना है, हम एक व्यक्ति को लगा दे कि वह व्यक्ति वही कार्य करे, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उससे संबंधित दूसरा कार्य करे। जैसे हमें टेबल बनाना है, हमें टेबल का उत्पादन करना है, तो हम एक व्यक्ति को लगा दे जो सिर्फ लकड़ी की कटाई करे और दूसरा व्यक्ति क्या करे, दूसरा व्यक्ति उस लकड़ी की चीर फड़ाई करे, या फिर इसके अंतर्गत जो भी कार्य होते, कोई एक व्यक्ति पेंट करे, कोई एक व्यक्ति संपूर्ण लकड़ी के पार्ट को एक साथ जोड़े, तो जो भी काम इसके अंतर्गत होते, यानी कि जो व्यक्ति करे वह एक ही काम करे, उसके अलावा वह दूसरा कार्य न करे। तो अगर एक ही व्यक्ति एक ही कार्य को करेगा तो कितना भी अनाड़ी होगा, लेकिन वह उस कार्य को करते 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 एकदम से विशिष्ट हो जाएगा। और यहाँ तक कि अगर उसे आँख बंद करके भी उस कार्य को कराया जाए तो वह पूरी तरह से उस कार्य को करने में सक्षम होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे होटल्स होते हैं, वहां पर जो लेबर होते हैं, वहां पर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत तेजी से सब्जियां काट लेते हैं। मतलब कि हम देखते ही रह जाते हैं और फिर सब्जियां वो काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वही एक काम करते हैं ना, वो उसी एक कार्य को वो कर सकते हैं, दूसरा कोई कार्य करना उनको नहीं आता। वह एक इस कार्य को करते करते पूरी तरह से विशिष्ट हो गए हैं, उन्होंने विशिष्टीकरण की पद्धति को अपना ली है। तो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लेबर डिस्ट्रीब्यूशन श्रम का विभाजन, और श्रम विभाजन होने के कारण हम क्या करते हैं, हमने विशिष्टीकरण को पूरी तरह से पा लिया है। तो जब हम विशिष्टीकरण की बात करते हैं, जब हम श्रम विभाजन की बात करते हैं, तो हर देश ये मानता है कि उनके पास एक्सेस उत्पादन दिखाई देता है, अतिरिक्त उत्पादन दिखाई देता है। और जब अतिरिक्त उत्पादन की बात होती है तो हर देश ये चाहेगा कि वह उस अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों में जाकर बेचे और दूसरे देशों से उन वस्तुओं को ले आए जिन वस्तुओं का हमारे देश में अभाव है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं श्रम विभाजन ने क्या किया, श्रम विभाजन ने विशिष्टीकरण को बढ़ाया, और विशिष्टीकरण ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को पूरी तरह से बढ़ा दिया, एक्सेस उत्पादन को बढ़ाया, यानी कि हमारी जरूरत से भी ज्यादा हमारे उत्पादन को बढ़ा दिया गया। और हमारे जरूरत से ज्यादा अगर उत्पादन बढ़ जाए तो हर देश चाहेगा कि वह उसे विदेशों में जाकर
बेचे और विदेशों से अपने देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले आए। नंबर दो पे है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की उपलब्धता। तो चलिए यहाँ आगे देखते हैं। आप ये मान लीजिए कि जो डेवलप कंट्री है वो क्या है, वो टेक्निकली क्षेत्र में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत ही ज्यादा उन्नत है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो वहां पर उपलब्ध न होकर हमारे यानी कि आप ये कह सकते हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप या बैकवर्ड कंट्रीज के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन को लेकर आगे जाना है, तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, हमें तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी, हम टेक्निकल तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हमें अगर कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है तो क्या हम अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं, हमें अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। और कच्चे माल अगर हमारे देश में उपलब्ध नहीं है तो हम उसे दूसरे देशों से तभी मंगा सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जब हम दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अंग्रेज हमारे देश में क्यों आए थे, अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के सहायता से ही आए थे, व्यापार करने के लिए ही आए थे। और व्यापार के लिए उन्होंने क्या देखा, वो क्या करते थे, उन्होंने हमारे भारत में ये देखा कि यहाँ पर जो कपास है, जो कॉटन है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं है। हम क्या करते थे, हम हाथ करघा उद्योग हम चलाते थे, जो हाथ से चलता था, जिसके लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे देश से कच्चा माल क्या था, कॉटन था, कॉटन को वो अपने देश में ले जाते थे और उसे मशीनों के द्वारा प्रोसेसिंग करके पक्का माल बनाकर ले आते थे। और पक्का माल बनाकर जब वो ले आते थे तो ये मान लीजिए कि क्वालिटी की तुलना में हमारे देश के माल से वो बढ़िया होता था और क्वालिटी के साथ साथ वो चीप होता था, वो सस्ता होता था। क्यों? क्योंकि वो मशीनों की सहायता से बनाया जाता था। तो इंग्लैंड के लिए हमारा भारत क्या था, इंग्लैंड के लिए हमारा भारत कच्चे माल का स्रोत तो था ही, उसके साथ साथ वह एक मार्केट भी था, वह उनके पक्के माल को, उनके प्रोड्यूस्ड गुड को हमारे यहाँ पर ही बेचा जाता था, एक तरह से कच्चे माल का स्रोत और दूसरी तरह से उनके लिए यह मार्केट था। तो ये जान लीजिए कि कच्चे माल के बिना हम कितने भी आगे हो लेकिन अपने प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो प्रोडक्शन सेक्टर के अंतर्गत भी जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, अगर उनमें से किसी का भी अभाव है तो हम उसे दूसरे देश से मंगा सकते हैं, तब किसी से मंगा सकते हैं जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होगा। नेक्स्ट है फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने ये बताया कि हम भारत की बात करें या भारत के आसपास के देशों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हम बहुत ही संपन्न हैं, हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में सोचेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो सकेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होगा तो हम अपने साथ साथ विश्व के बारे में सोचेंगे, विश्व के देशों के बारे में सोचेंगे, कहाँ किस चीज का अभाव है इसके बारे में सोचेंगे और अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करके प्रोडक्शन को पूरी तरह से बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है, विभिन्न देशों की मुद्राओं को अपने देश के अंतर्गत ले आना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने संसाधनों को पूरी तरह से प्रोसेस करेंगे, उनका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के साथ साथ हम प्रोडक्शन को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए भी यह आवश्यक है कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनाए। तो अगर कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कुछ वस्तुओं के मामले में एकाधिकारी बन जाएंगे और ये देखेंगे
और जब संपूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनाएगा तो कोई भी एक देश किसी भी वस्तु के मामले में एकाधिकार की प्रक्रिया नहीं अपना पाएगा। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, यानी सिर्फ एक देश का अधिकार। तो ऐसा नहीं होने पाएगा अगर संपूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनाएगा, संपूर्ण विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में सोचेगा। तो हर देश अपनी अपनी वस्तुओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक देश की जो एकाधिकारी प्रवृत्ति होगी वो लगभग खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व क्या होगा, ये देखेगा कि इस तरह के ढेर सारे जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग देशों में उपलब्ध है। तो एकाधिकारी जो प्रवृत्ति है, जो बिना व्यापार के पनप रही थी, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सहायता से पनपने नहीं पाएगी। सभी देश अपनी अपनी वस्तुओं को लेकर किसी भी देश में जाकर अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक देश एक वस्तु को लेकर पूरी तरह से एकाधिकारी की नीति अपनाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज फॉर कंज्यूमर, यानी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की उपलब्धता। तो व्यापार की सहायता से पॉसिबल हो पाता है कि उपभोक्ताओं को एक से एक अच्छी से अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो सके, और अच्छी से अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होने के साथ साथ आप ये जान लीजिए, जब एक ही वस्तु को बनाने वाले ढेर सारे प्रतियोगी हो जाते हैं तो इसका फायदा किसको मिलता है, इसका फायदा उपभोक्ता को मिलता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु भी मिलती है और उसकी कीमत भी कम होती है। तो चलिए, इंग्लैंड के साथ जब भारत का व्यापार शुरू हुआ, जब भारत में उन्होंने अपनी वस्तुओं को लाकर बेचना शुरू किया, तो यहाँ ये देखा गया कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट थे वो हाथ से बनते थे, तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी तो होती नहीं थी और कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन इसके साथ साथ जो कपड़े विदेशों से, यानी कि इंग्लैंड से बनकर आते थे, वो क्या थे, वो मशीन से बनते थे, क्वालिटी के हिसाब से भी बढ़िया होते थे और कीमत भी बहुत कम होती थी। तो फायदा किसको मिला, फायदा भले ही हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो गया इसी व्यापार की सहायता से, वो बेरोजगार हो गए, खाने के लिए मरने लग गए, लेकिन फिर भी हमारे उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिला। कैसे, कि उन्हें अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिलने लगी और वो भी कम से कम रेट में। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात आती है, जब विदेशों से भी वस्तुएं देश में उपलब्ध होने लग जाती है, तो ये मान लीजिए सबसे बड़ा फायदा किसे होता है, सबसे बड़ा फायदा हमारे उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि उन्हें एक से एक वैरायटी प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब किसी वस्तु को बनाने वाले एक से अधिक प्रतियोगी दिखाई देते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं एक दूसरे से प्रतियोगिता की सहायता से और मार्केट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ले आते हैं। और इसका फायदा किसे मिलता है, इसका फायदा हमारे देश के उपभोक्ताओं को मिलता है, हमारे देश के उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलता है और वो भी कम से कम रेट में। चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है, चलिए इसके बारे में अब हम देखेंगे। जैसे नंबर एक पर है इम्पोर्टेंट फॉर ईच कंट्री, हर देश के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विशेष महत्व है। हर देश चाहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में वह अग्रसर हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हर देश आना चाहता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनाना चाहता है, अपनी वस्तुओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना चाहता है, और जिस चीज की उनके देश में कमी है उन उपभोक्ताओं की उस कमी को भी वह देश पूरी करना चाहता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दिनों दिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है, ये कभी भी सीमित नहीं था और न ही होगा, हमेशा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हर देश के लिए एक समान महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के लिए कम तो किसी के लिए ज्यादा। जिस देश के संपूर्ण उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भाग बहुत ही ज्यादा अधिक है, उस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ज्यादा महत्व है। लेकिन जिस देश के संपूर्ण उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भाग कम है, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कम महत्व है। लेकिन हर देश के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कोई न कोई महत्व अवश्य है,
कोई न कोई विशेष योगदान अवश्य है। किसी भी देश को आगे बढ़ने में हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कोई न कोई योगदान अवश्य है। इसमें नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर को बढ़ाना, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को बढ़ाना। तो चलिए हमने यह भी जाना, यह भी देखा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से एक देश दूसरे देश के संपर्क में आते हैं, वहां के उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी लेते हैं, वहां के उपभोक्ताओं के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ हम तुलना करते हैं हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। हम कोशिश करते हैं कि हम विदेशी वस्तुओं की सहायता से या अपने ही देश में सिमिलर तरीके से उन वस्तुओं का उत्पादन करके सेम टू सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने देश के लोगों के उपभोक्ताओं को भी दे। अब जब हम किसी दूसरे देश के संपर्क में आएंगे तो ही हम उस देश के उपभोक्ताओं के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानेंगे। ये तब पॉसिबल होगा जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और वहां के लोगों के उपभोक्ताओं वहां के उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को लोगों ने देखा, जाना और समझा और सेम टू सेम वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने देश के उपभोक्ताओं को भी लाने का प्रयास किया गया। हमारे देश के उपभोक्ताओं को भी ऐसा ही जीवन स्तर मिले, ऐसा ही जीवन यहाँ के लोगों को भी मिले, इसका भी पूरी तरह से प्रयास किया गया और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सहायता से ही यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया। जब हमने दुनिया को देखा, जब हमने दुनिया को जाना तो ही हम इसके संबंध में जानकार बने, तो ही हमें जानकारी हुई कि हम दूसरों की तुलना में कितना पीछे हैं, दूसरों की तुलना में हमारा क्या स्थान है और हमने पूरी तरह से कोशिश की, हाथ पैर मारा और कोशिश ये की कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्ड कंट्री का है सेम वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाने का हमने प्रयास किया अपने डेवलपिंग क्षेत्रों में, अपने डेवलपिंग कंट्रीज में कोशिश की कि हम वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने देश के लोगों के लिए भी ले आए। तो उस कोशिश में हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो ये बहुत जरूरी है। लोगों को अलग अलग तरह के वस्तुएं मिले, लोगों को हर तरह की चीजें मिली, लोगों को अच्छे से अच्छा जीवन स्तर मिले, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। प्रोडक्शन के साथ साथ जब प्रोडक्शन होगा तो कोशिश ये करें जब प्रोडक्शन बढ़ेगा सबसे पहले ये मानिए जब व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमारा रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने के साथ साथ हमें हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा तो लोगों को अच्छी इनकम भी मिलेगी और अच्छा इनकम भी अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आवश्यक है। जब हमारी इनकम अच्छी होगी तो ही हम अच्छे से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एट लो प्राइस, यानी उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ते रेट पे उपलब्ध हो सकेंगी। ये सबसे बड़ा महत्व है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बहुत सारे देश आपस में प्रतियोगिता करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ले आए और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम रेट में ले आए। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब सारे के सारे देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने में प्रतियोगिता करें। तो इसका पूरी तरह से फायदा उपभोक्ताओं को मिलता है और उपभोक्ताओं को ढेर सारे प्रोडक्ट, तरह तरह के प्रोडक्ट, सस्ते से सस्ते अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। जब व्यापार नहीं होगा तो उनको वही कंज्यूम करना होगा जो उनके देश में अवेलेबल होगा, लेकिन व्यापार की सहायता से हमने ये देखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढेर सारे प्रोडक्ट हर देश में उपलब्ध हो सके, हर देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों की तरह जीने का मौका मिला। जो हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध है वो हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से मंगा लेते हैं और जो उनके यहाँ नहीं है हम उसे अपने देश से वहां पर दे देते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उपभोक्ताओं को ढेर सारी वस्तुएं कम से कम रेट में उपलब्ध होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आर्थिक डेवलपमेंट की हम बात करें, जब हम आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं,
करते हैं तो विकास कोई एक चरण का विकास नहीं है, विकास के लिए हमें हर चरण में हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप बनाना होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात होती है, चाहे वह व्यापार की बात होती है। तो ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। एग्रीकल्चर हमारा डेवलप होता है तो हमारे भरण पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डेवलप होता है तो हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर, हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर पूरी तरह से डेवलप होता है। और आप ये जान लीजिए कि व्यापार के अंतर्गत अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो पीछे चलते जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा जरिया है, एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो विदेशों में मांग जो बढ़ रही है वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग सेक्टर जो है इनकी वस्तुओं की मांग विदेशों में पूरी तरह से बढ़ रही है। तो जब ये हमारे तीनों क्षेत्र पूरी तरह से डेवलप होते हैं, जब हमारा ट्रेड डेवलप होगा तो ट्रेड की सहायता से हम क्या करेंगे, हमें विदेशी वस्तुएं मिल सकेंगी। कैसे? क्योंकि जब ट्रेड डेवलप होगा तो हमें विदेशी करेंसी मिलेगी और विदेशी करेंसी की सहायता से ही हम विदेशों से वस्तुएं अपने देश में मंगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये तीनों सेक्टर जिस देश में डेवलप होते हैं ये माना जाता है कि वह देश पूरी तरह से विकसित देश हो गया है, वहाँ विकास के क्षेत्र में अग्रसर नहीं है, वो देश क्या है, वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो ये तीनों क्षेत्र जैसे हैं जिनके संबंध में विकास का होना अति आवश्यक होता है। तो हमें जब विकास करना हो तो ये भी कहा गया है कि हम अकेले विकास नहीं कर सकते, विकास के लिए आवश्यकता होती है कि संपूर्ण लोग हमसे जुड़े, सभी लोग हमारे साथ साथ चले, तभी विकास का होना पॉसिबल होता है। तो चलिए, जैसे हमने कोई इंडस्ट्री डाल रखी है, इंडस्ट्री जब हमने डाल रखी है तो इंडस्ट्री के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता है, प्रोसेसिंग गुड्स की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी किन देशों में ऐसा भी होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज अनुपलब्ध होता है, हमारे पास कोई चीज अनअवेलेबल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे विदेशों से मंगा सकते हैं, हम उसे दूसरे देश से मंगा सकते हैं। तो हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, अगर किसी भी चीज की हमें कमी दिखाई देती है तो हम उसे विदेशों से मंगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो या ट्रेड सेक्टर हो, इन सभी को हम पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये कमी को हम ये ना माने कि यह हमारी कमी है, हम इस कमी की सहायता से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन विदेशी व्यापार ही एक ऐसा जरिया है जिसकी सहायता से हर देश अपने देश के अंतर्गत अगर किसी चीज की कमी है तो वह उसे विदेशों से मंगा कर पूरा कर सकता है और अपने हर क्षेत्र को डेवलप कर सकता है। तो ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे देश में होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये सबसे बड़ा महत्व है कि हमें अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने हर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है, जिनकी हमारे यहाँ कमी होती है, वह हमें विदेशों से उपलब्ध हो जाता है। हम विदेशी व्यापार की सहायता से उनके देश के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपने देश के डेवलपमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान करके जो उनके यहाँ नहीं है वह हम एक्सपोर्ट की सहायता से उन्हें दे सकते हैं और जो हमारे यहाँ नहीं है वह हम इम्पोर्ट की सहायता से अपने देश में मंगा सकते हैं। लेकिन हर देश कोशिश ये करता है कि वह अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह से बढ़ाए और इंपोर्ट सेक्टर को कम करे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्राएं देता है और इंपोर्ट सेक्टर हमारे देश से विदेशी मुद्राओं को ले जाता है। जब किसी भी देश का एक्सपोर्ट सेक्टर ज्यादा होता है और इम्पोर्ट, जब कोई भी देश ज्यादा एक्सपोर्ट करे और कम इम्पोर्ट करे तो यह देश के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर कोई देश अधिक से अधिक इंपोर्ट करे और कम से कम एक्सपोर्ट करे तो यह उस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। यानी यहाँ हम यह कह सकते हैं, when export is more and import is less, it is a sign of development. And when export is less and import is more, then it is not a sign of development. आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और महत्व के बारे में देखा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यह बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के
डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कौन कौन से लाभ है और कौन कौन सी हानियां हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अगर लाभ है तो हानियां भी हैं, इसके बारे में।